ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैथ्यू शॉट ने शुक्रवार 13 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ के सोफिया गार्डन स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल में एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन बल्लेबाजी से नहीं बल्कि गेंदबाजी से। सातवें गेंदबाज के रूप में आए शॉट ने 3 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। उन्होंने फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टन, जैक बैथेल, सैम करन और ब्राइडन कास को अपना शिकार बनाया। दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एंड मोर में। मैथ्यू शॉट ऑस्ट्रेलिया पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेट के 147 साल के इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सातवें गेंदबाज के तौर पर 5 विकेट हासिल किए। बता दें कि इस मुकाबले में शॉट से पहले 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एरॉन हार्डी, सीन एबॉट, मार्कस स्टॉइन, कैमरन ग्रीन, एडम जैम्पा और कूपर कॉलोनी शामिल थे। शॉट के अलावा एबॉट ने ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट हासिल किए और बाकी बल्लेबाज खाली हाथ रहे। शॉट ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते हुए 24 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रनों की पारी भी खेली थी। इसके अलावा शॉट पूर्व सदस्य देश के पहले ओपनिंग बल्लेबाज हैं जिसने गेंदबाजी में 5 विकेट हासिल किए हैं। गौरतलब है कि इस मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए थे, जिसके दौरान जैक फ्रेजर मैगर्क ने 31 गेंदों में 50 रन, जॉश इंग्लिस ने 26 गेंदों में 42 रन और ट्रेविस हेड ने 14 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली थी। इंग्लैंड के लिए लिविंगस्टन और ब्राइडन कास ने 2-2 विकेट लिए, वहीं आदिल रशीद और सैम करन ने 1-1 विकेट हासिल किया था। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 1 ओवर बाकी रहते 7 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली। लिविंगस्टन ने गेंद के बाद बल्ले से कमाल दिखाया और 47 गेंदों पर 87 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के जड़े। इसके अलावा जैक बैथेल ने 24 गेंदों में 44 रन और कप्तान फिल सॉल्ट ने 23 गेंदों में 39 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। ये भी जान लीजिए कि सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मैच रविवार 15 सितंबर को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें क्रिकेट एंड मोर के साथ। धन्यवाद।